ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यह है वो हिंदू लड़की जिसने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में हारने के बावजूद भी जिता दिया है। जम्मू की इस हिंदू लड़की ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कभी भी कोई सोच भी नहीं सकता था। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल इलाके से शगुन परिहार ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीत भी लिया। जम्मू कश्मीर के चुनावों ने इस बार जबरदस्त तरीके से एग्जिट पोल को धराशाही कर दिया, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी हाईलाइट बनी शगुन परिहार, जो मुस्लिम बहुल इलाके से आती है। और इस इलाके से आने के बावजूद भी शगुन परिहार ने जीत दर्ज कर ली और वो चुनी जा चुकी हैं जम्मू कश्मीर से विधायक। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी ने जम्मू संभाग से अपना शानदार प्रदर्शन फिर एक बार सबको दिखाया। 29 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू में अपने प्रदर्शन से गदगद है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एकमात्र महिला प्रत्याशी शगुन परिहार ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। किश्तवाड़ सीट, जो कि एक मुस्लिम बहुल सीट थी, इस सीट पर शगुन परिहार ने जीत दर्ज की है। एक तो ये मुस्लिम बहुल इलाका, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का टिकट और उस पर भी हिंदू, और उससे भी बड़ी बात ये कि एक लड़की थी। शगुन परिहार ने सबको चौंका दिया, न सिर्फ अपने प्रदर्शन से बल्कि अपनी जीत से भी। शगुन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सज्जाद अहमद किचलू को 521 वोटों के मामूली अंतर से हराया। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है, मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया, बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। ये हार आतंकियों के मुंह पर जोरदार तमाचा थी और शगुन की जीत इस बात का सबूत कि धर्म से ऊपर लोग न्याय करना जानते हैं। किश्तवाड़ की जनता ने शगुन परिहार के साथ न्याय किया है। शगुन परिहार के चाचा और उनके पिताजी को आतंकियों ने मार डाला था। 2018 में किश्तवाड़ में आतंकियों ने शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा नील परिहार को गोली मार दी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। शगुन परिहार को कुल 29,053 वोट मिले, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू को 28,532 वोट मिले। यह अंतर सिर्फ 521 वोट का था। वहीं सीट पर पीडीपी बुरी तरह धराशाही हुई, उसे केवल 988 वोट ही मिल पाए। बता दें कि किश्तवाड़ मुस्लिम बहुल्य है, लेकिन शगुन परिहार की मुस्लिमों में भी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। शगुन ने संकल्प लिया है कि वो किश्तवाड़ के विकास के लिए निरंतर काम करेंगी। उन्होंने किश्तवाड़ के लोगों का आभार भी जताया और बीजेपी के विश्वास के लिए भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि जीत केवल उनकी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सभी राष्ट्रवादी लोगों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।